माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपका अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का हर एक साल 5-5 मॉडल पेपर आते हैं, पर इस साल ना आप लोगों का एक ही मॉडल पेपर जारी किया है। पर हम लोगों को यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि हमारे पेपर में किस प्रकार से मॉडल पेपर जो एक ही मॉडल पेपर आया है, तो हम लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि हमारे फाइनल एग्जाम में एक एग्जाम पैटर्न तो चेंज हुई पर किस प्रकार से एग्जाम लिए जाएंगे हम लोगों को अंदाजा नहीं लग पा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे प्री बोर्ड ने पूरा खुलेआम कर दिया है कि आप किस बेस पे आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। प्री बोर्ड का एग्जाम आपके स्कूल कॉलेज में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्री बोर्ड का, सारा क्वेश्चन को देखना नहीं है, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। मैंने इंग्लिश कोर का 2 लेक्चर प्रोवाइड किया था, एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को देख लेना है। और इससे उसके बाद मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी सेक्शन का। जियोग्राफी सेक्शन 24 जनवरी को आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है और जिनका हो भी गया है वो दोनों देखें बेहतरीन ढंग से, देखें कैसा क्वेश्चन आपके मैप्स रिलेटेड आएगी, कैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है सर, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है। और हाँ, अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे अपने कोई भी कोर्स को बाय किया है, अगर आप पढ़ रहे हैं, चैलेंज करता हूं जो सिलेक्टेड सेट में 5 आप लोगों को प्रोवाइड किया हो ना, याद रखिएगा सिलेक्टेड जो मैं सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। कहां से है? सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही पूछा गया है। यकीन नहीं होता है ना, मैच करके देखिए, एक एक क्वेश्चन को मिला करके देखिए, तब आपको पता चलेगा सर क्या बनाया था आपने सेट, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्या, याद रखिएगा रेट जेल, क्या हो जाएगी, रेट जेल हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 है सर, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक सर, डन कर देते हैं एक बार, कौन हो जाएगी सर, ग्रिफिथ टेलर, क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे शेरो शेरनियों, पढ़ाई पर मन दीजिए, पढ़ाई इज द एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर पूछा जाए तो भारत, सेकंड नंबर में चाइना, लेकिन पूछा ही नहीं गया है आपसे, आपसे तो पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहां पर रहते हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो हम लोगों को पता है कि पर्वत पठार में सभी व्यक्ति तो रह नहीं सकता है, मरुस्थली जहां पे सूखा है, राजस्थान जैसे सूखा है, क्या सभी व्यक्ति वहां पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, लेकिन पर्वतों में भी नहीं रह सकता है, लेकिन मैदानी एरिया में सारा व्यक्ति अच्छी ढंग से रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर डन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे, 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, मतलब जनसंख्या चेंजेस जो होती है ना जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारक है, तो बताएंगे सर प्रवास, मतलब अगर हम झारखंड में हैं और हम चले गए गुजरात, तो इस तरह से यहां की जनसंख्या घटी और यहां की जनसंख्या बढ़ गई है, याद रखिएगा यहां की जनसंख्या कम हो गई और झारखंड से हम जब गुजरात चले गए तो गुजरात की जनसंख्या बढ़ गई है। पहला जन्म दर, याद रखिएगा दिन प्रतिदिन अगर बच्चों की जन्म हो रही है तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मृत्यु हो रही है तो घट रही है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे मजा मेरे भाई, बस जो चीज मैं बता रहा हूं ना एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन को दबा करके कर लेना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और याद रखिएगा इतना बेहतरीन तरीके से एग्जाम देकर लौटना है, कभी लगेगा कि सर आपने जो साल भर हम लोग का मेहनत किया है आज आपका मेहनत रंग ला कर दिखा दिया है आपके हमारे एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, मानव विकास, याद रखिएगा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मानव विकास, तो बताएंगे सर ये दिया था, याद रखिएगा पाकिस्तान के थे, कौन, डॉक्टर महबूबुल हक, क्या जगह, डॉक्टर महबूबुल हक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे ढंग से दिखे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है सर कि मानव विकास सूचकांक जिसमें भारत का रैंक 131वां है,
याद रखिएगा भारत का रैंक कितना है, मानव विकास सूचकांक जिसमें भारत का रैंक 131वां है। तो आपसे पूछा गया के लिए आवश्यक है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, तो बताएंगे सर जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता ऑप्शन नंबर, इन सब को देखकर, इन तीनों को देखकर ही ना याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक की लिस्ट तैयार किया जाता है, सूची तैयार किए जाते कि साल भर में कितना पढ़ा लिखा, कितना एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है, कितना प्रति व्यक्ति पर कैंडिडेट कितना इंक्रीज हुआ है उनके इनकम पे, उसके बाद आपका जीवन प्रत्याशी में कितने इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इसके माध्यम से ये सूचकांक तैयार किए जाते हैं साल भर में एक बार, जिसमें भारत के स्थान 131वां है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 7, रसदार फलों की खेती संबंधित है, जो रसदार फसल है फलों है तो उसमें खेती होती है भूमध्य सागर में, कहां पे भूमध्य सागर, सारा क्वेश्चन एक बार मैच करके देखिएगा, याद रखिए सारा क्वेश्चन को अच्छी ढंग से देखना है मेरे शेर शेरनियों, सारा क्वेश्चन को एकदम करके आना है और अपने माँ बाप का नाम अच्छी तरह से रोशन करना है जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उन सब का आशा है कि काश मेरा बेटा स्कूल टॉपर होता, काश मेरा बेटी कॉलेज टॉपर होती तो आज मेरा नाम कितना रोशन होता, बस यही सोचकर स्टडी करिए, जितना दिन बचा है दबा करके पढ़िए। पूछा गया कि कृषि क्रियाकलाप है, मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, तो आपसे पूछा गया कृषि, कृषि क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप, खनन, खनन प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है सर समझ में आ रहा ना, तो नहीं बुझल पा रहे ना बतवा हमें, तो नहीं ऐसे ना प्रश्न, तो ठीक हो तो नहीं घबराए हैं ना बस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो बताएंगे सर आधारभूत उद्योग के अंतर्गत रखे जाते लोह इस्पात उद्योग, मतलब आपको समझ, इस थोड़ा सा सेंटेंस को समझ लीजिए, आधारभूत उद्योग अगर डिफिनेशन अगर आपसे पूछे, आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो दूसरे उद्योग इस वस्तु पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे मान लेते मैं कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूं तो मुझे लोहा लकड़ की आवश्यकता होगी, और लोहा लकड़ हमें वस्त्र से मिलेगा नहीं, चीनी से मिलेगा नहीं, तो कहां से मिलेगा हमको, लोह इस्पात उद्योग से मिलेगी, कोई भी फैक्ट्री बसाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सर आधारभूत उद्योग, जो दूसरे उद्योग को सहयोग करे, उसके बिना उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10, कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, आप ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसको आंसर लगाएंगे, बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का याद रखिएगा डी कतई आंसर नहीं होगा, क्या डी कतई आंसर नहीं होगा, आप लोग सोचते होंगे ना सर होगा नहीं, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं समझिएगा, मतलब ऐसा उद्योग, याद रखिए कृषि उद्योग क्या होती है, कच्चे माल के रूप में तैयार होती है, तो देखिए चीनी उद्योग जो है ना, चीनी ये कृषि उद्योग से ही प्राप्त होती है, कतई इसका आंसर डी ना लगाए बाबू रे, तो गलत है जीतो तो होनी के आंसर हुआ, तो होनी के एक नंबर कट जीतो, ठीक हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारे साथ है 11 आपसे पूछा गया है, 11 है कि खनन क्रिया है, खनन क्रिया क्या है, प्राथमिक, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ, तो बताएंगे सर खनन क्रिया होती है ना, मैंने अभी जस्ट बताया, कूद के बताया था आप लोगों को, क्या कूद के बताया था मेरे शेर शेरनियों, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, मछली पालन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, कृषि पालन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, पशु चारण प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, समझ में आ रहा ना, डन कर दीजिए आप लोग। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर हम लोग का 12 नंबर, तृतीय क्रियाकलाप, जो हम लोग का तृतीय क्रियाकलाप है, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा हम लोग के मतभेद है, क्यों देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, विनिर्माण तो सेकंड होगा सर, ये तृतीय क्रियाकलाप आपसे पूछा गया, पर विनिर्माण अगर आपसे पूछा जाएगा तो द्वितीय क्रियाकलाप है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग और परिवहन, ये दोनों जो है ना याद रखिएगा, दोनों जहां तक हमें लग रहा है कि दोनों इसका आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा दोनों आंसर होना चाहिए, और एक ऑप्शन होना चाहिए बी एंड सी, पर नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप गूगल पे सर्च करिएगा तो परिवहन दिखेगा पहला ही, ठीक है, तो पहला एक बार आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ऐसा ना सोचिए कि इसका आंसर मैं गलत क्लिक किया हूं, ठीक है, एक बार अच्छी तरह से आपको देख लेना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, पनामा नहर जोड़ती है बीपी, ब्लूप्रिंट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बीपी, पनामा नहर जोड़ती है किसको सर, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, किनको, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछल गले कि तुमने थोड़ा सा बता दी है विश्व का व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है,
वह समुद्र मार्ग कौन टा लागू तो होने के पूछल गलो जेटा पूरा व्यस्त रहो के यानी तुरंत आना जाना हो वो किसके लिए हमेशा समुद्र मार्ग से आना जाना होते रहता है तो व्यस्त आप आना जाना होते रहेंगे तो व्यस्त मार्ग हो जाएगी। तो व्यस्त मार्ग कौन जाएगी तो बताएंगे सर उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग है ना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान याद रखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा तो बताएंगे सर गोवा, क्या गोवा हो जाएगी। चार क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कान खोल कर सुन लीजिए, चार में से दो क्वेश्चन टपकेगा। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सिक्किम याद रखिएगा। चारों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अभी ये, ठीक है। चलिए सर आशा कर रहे हो कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16, क्या 16 अगला प्रश्न पे आते हैं सर 16, मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अच्छा मूलभूत मतलब समझ में आ रहा है, ये समझिए हम लोग तो बोले रोटी मकान कपड़ा सुने है ना, रोटी मकान कपड़ा, इसके नाम पे एक फिल्म भी निकला होगा रोटी मकान कपड़ा। तो मानव जीवन के मूलभूत आवश्यकता जो होती है ना रोटी मकान कपड़ा, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया हूं, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर जियो के बारे में, किसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं सर एग्जाम से पहले हम लोग का हिस्ट्री का पेपर दिखा दीजिए, एक बार हिस्ट्री का पेपर मैं दिखाना चाहूंगा, उसके बाद आप लोगों का जो होगी सर याद रखिएगा पॉल साइंस क्या हो जाएगी, पॉल साइंस होगा या हिंदी इलेक्टिव होगी या हिंदी कोर होगा, एक बार जरूर बता दीजिएगा, मैं धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस जितना मेहनत कर रहा मेरा लाल उतना रंग लाइए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत कर आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना स्ट्रगल करने के बाद ये सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ पाता हूँ। भारत में सिंचाई के स्रोत है, भारत में सिंचाई के क्या क्या स्रोत है, तो सिंचाई के कुआं हो जाएगी, नहर हो जाएगा, नलकूप हो जाएगी, उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। और एक बार ना एक बार आप लोग जरूर बताइए, 30 मार्क्स का तो नहीं होगा सॉरी, आपका 25 मार्क्स में आप कितना मार्क्स लाए हैं एक बार जरूर बता दिया, ताकि हमें पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किए हैं कितना क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आप तोहनी से पूछल गलो, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, उच्च गुणवत्ता मतलब कोयला चार प्रकार का होता है, एक कोयला होता है सर एंथ्रोसाइट लिग्नाइट बिटुमिनस पीट कोयला, तो सबसे उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है तो बताएंगे सर एंथ्रोसाइट, बीपी ब्लूप्रिंट में पूछा गया था सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं सर 19, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं समझेगा, तो कोयला देखिए ये जो कोयला सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा यह सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 19 के बाद 20 में, कहां पे 20 में, अब ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को लगेगा सर ये पॉलिटिकल साइंस का नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है ज्योग्राफी पॉलिटिकल और हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में कॉमन बनती है, ठीक है। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो बताएंगे सर 1950 में, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा महीना था तो बताएंगे सर मार्च महीना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो बताएंगे सर प्रधान, याद रखिए कौन होती है सर प्रधानमंत्री, कौन होता है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नहीं, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री नहीं योजना आयोग का नाम बदलकर रख दिया था नीति आयोग, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन 22 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोग का कि भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग याद रखिएगा हुगली नदी पर होती है तो बताएंगे सर गंगा भागीरथी हुगली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए बीपी में पूछा गया था, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी का मतलब होता है सर ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे, तो याद रखिएगा स्वर्ण चतुर्मुख मार्ग, क्या हो जाएगी स्वर्ण चतुर्मुख मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24, क्या आते हैं सर 24 का भारत का एकमात्र भू अपबंध बंदरगाह है, भू अपबंध बंदरगाह कौन सा है विशाखापट्टनम, कतई ना समझिए सर कि कोचिंग होगा विशाखा
पट्टनम, ऑप्शन नंबर आपका ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ना 5 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, शायद हमें लग रहा है कि इस साल भी आपसे पूछेगी कि पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए 4-5 कारकों के बारे में चर्चा करें, तो आपको क्या क्या चर्चा करना है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण करना ही सब, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो औद्योगिकरण अगर हम कहीं भी औद्योग अगर स्थापित करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया माने कहीं भी हम लोग फैक्ट्री ओपन करते हैं, तो जल प्रदूषण होगी क्योंकि वहाँ के जो भी कचरा वगैरह निकलेगी वो हमारे सीधे नदी पर जाके मिलेगी, और उस नदी के पानी का हम लोग कोई पीने लायक बनाते हैं तो कोई सिंचाई के रूप में करते हैं, तो इस तरह से सिंचाई सही ढंग से नहीं हो पाएगी। ध्वनि प्रदूषण होगी, बड़े बड़े मशीन चलेगी तो हमें ध्वनि प्रदूषण होगी। वायु प्रदूषण, चिमनियों से निकलने वाले धुआं, वायु प्रदूषण, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको सारा चीज को समझ गया। अब आते हैं सर, 2-2 मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान पूर्वक समझे। 2-2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन था क्या, हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, जो हम्बोल्ट है उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है पहला। दूसरा था सर कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, पर्यटन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन था सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए, थोड़ा सा क्या बताना है सर, अगला देखिए कौन सा घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा बोल्ट, कौन सा घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, औद्योगिकरण नगर के 2 उदाहरण बताइए, एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती क्या है, और जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन हमें शायद हमें लग रहा हमें नहीं बताए थे आपको, बाकी सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग का अब आते हैं सर, हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का, 3 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि पतन के परिभाषा का, अच्छा टाइम पास नहीं करते, अगर आप लोग चाहते हैं ना सर, हम लोग का जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, इसका भी हम लोग को सोल्यूशन चाहिए बेहतरीन ढंग से अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डन कर दीजिए कमेंट में कि सर हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जल्दी से लेकर आए। साथ ही साथ ये जो मैं अभी आपको जियोग्राफी डिस्कस करवा रहा था, क्या जियोग्राफी में डिस्कस करवा रहा था, अगर आप लोग चाहते हैं ना सर से जियोग्राफी के साथ साथ हम लोगों को किसके बारे में डिस्कस करवाइए, हम लोगों को सर डिस्कस करवाइए पॉलिटिकल साइंस के बारे में, या हम लोगों को सर डिस्कस करवाइए हम लोगों को सर हिस्ट्री के बारे में, तो बेहतरीन तरीके से एक बार अच्छी ढंग से आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को तुरंत आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से वीडियो को अगर अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंतिम पोजीशन तक देखें और अंदर से कैसा फीलिंग हुआ है एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जय जवाहर जय किसान, याद रखिएगा मेरे लाल, आपसे एक क्वेश्चन में करके जा रहा हूं, इसका आंसर आपको बता देना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, फिर से सुन लीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा देने वाला व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।